हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन। मैं विनीत आज आप लोगों के लिए कार्य तथा समय का सेकंड लेक्चर हिंदी माध्यम में लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सेपरेट वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से चल रहा है, और एक चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाएगा और आप वीडियो को चेकआउट कर पाएंगे तुरंत। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी कार्य को ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। मींस कोई एक काम है जिसको ए उतने ही दिनों में या उतने ही आवर्स में फिनिश करेगा जितने टाइम में बी और सी मिलकर करेंगे। ठीक है, यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है कि ए उतना ही टाइम लेगा जितना बी और सी लेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है आपका इसमें क्वेश्चन में, आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो पहले क्या कीजिएगा, आप लिखिए ए प्लस बी और 10 डेज या 10 दिन, तथा सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो सी का लिख लीजिए 50 दिन। ये आपका पहला स्टेप होगा सॉल्व करने का। अब देखिए इस 10 और 50 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम मतलब लघुत्तम निकालेंगे। तो 10 और 50 का लघुत्तम क्या होगा आपका, 50 होगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन, कुल काम मान लेंगे, ये अपना कुल काम हो जाएगा। अब देखिए इस 50 यूनिट काम को ए और बी 10 दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में वो कितना करेंगे। तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में 50 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 5 यूनिट काम करेंगे। तो ए और बी की एक दिन की क्षमता यहां लिख लेंगे 5 यूनिट पर डे। इसी तरह 50 यूनिट काम को सी 50 दिन में कर रहे हैं। तो 50 दिन में कर रहा है तो क्या करेंगे कि इस 50 और इस 50 को डिवाइड करेंगे तो सी के एक दिन का क्षमता निकल जाएगा। तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, सी का आपको मिल जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आपको मिल जाएगा 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट पर डे सी की कैपेसिटी होगी। तो अब देखिए आप क्या करेंगे इसके बाद, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता निकालेंगे। तो ये कितना काम करेंगे, ए प्लस बी कितना कर रहा है, ये देखिए 5 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो ये 5 लिख लेंगे। और सी कितना कर रहा है, 1 यूनिट, तो इसको 1 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे। ए प्लस बी प्लस सी एक साथ एक दिन में काम करेंगे 6 यूनिट। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ए उतना ही टाइम ले रहा है, उतना ही काम कर पा रहा है उतने दिनों में जितने दिन में बी और सी कर रहे हैं। मतलब ए और बी और सी में एक की क्षमता बी और सी के बराबर है। तो इस बी प्लस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये ए लिख देंगे इस बी प्लस सी को, और ये ए एक है ही, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका 2A। तो 2A मिलकर 6 यूनिट काम एक दिन में कर रहे हैं। तो एक ए कितना करेगा आपका, 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 3 यूनिट पर डे। ये ए की एक दिन के काम करने की क्षमता होगी। अब देखिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ये 5 यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट पर डे। उसमें से बी कितना कर रहा है आपका, वो निकालना है। ए का पता चल गया ये 3 यूनिट, तो ये 3 रख देंगे। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 5 होगा, आप 2 जोड़ेंगे। तो बी की क्षमता मिल गई 2 यूनिट पर डे, ये आपकी बी की क्षमता मिल गई। अब पूछा क्या है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए बी का पूछा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुल काम कितना है आपका, कुल काम है 50 यूनिट, और एक दिन में बी 2 यूनिट कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो कितने दिनों में काम को करेगा आपका, 25 दिनों में काम को कर लेगा। तो 25 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। विजय और अशोक किसी काम को क्रमशः 24 घंटे और 36 घंटे में कर सकते हैं। 8 घंटे काम करने के बाद विजय ने काम को
छोड़ दिया करना, ठीक है। तो शेष काम अशोक कितने घंटे में करेगा, मतलब दिया क्या है आपका, विजय जो है, विजय कितने घंटे में काम को करेगा, विजय आपका करेगा, वी से लिख देते हैं, 24 घंटे। अशोक करेगा, ए से लिख दिए, 36 घंटे। ये पहला स्टेप है। फिर आप क्या कीजिएगा, इसका लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, 24 और 36 का लसा आपका आएगा 72, 72। तो इसको क्या करेंगे अपन, कुल काम मान लेंगे। अब देखिए कुल काम 72 है और विजय इसको 24 घंटे में कर रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा, एक घंटे में करेगा आपका 72 को 24 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब 3 यूनिट पर आवर या पर घंटा, ठीक है। फिर ये 72 यूनिट को अशोक जो कर रहा है 36 घंटा में, तो ये कितना एक घंटे में करेगा, 72 को 36 से भाग देंगे तो 2 यूनिट पर आवर ये काम करेगा। अब देखिए विजय और अशोक की काम करने का क्षमता कितना हुआ, एक घंटे में कितना करेंगे ये लोग, 3 + 2, ये वाला 3 + ये वाला 2, तो ये आ गया 5 यूनिट पर घंटा। एक घंटे में दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि 8 घंटे तक ये लोग काम किए हैं एक साथ, तो एक घंटे में जब ये 5 यूनिट कर रहे हैं एक साथ 5 यूनिट, तो 8 घंटे में कितना करेंगे, 5 × 8 मतलब 40 यूनिट काम आपका कर लिए हैं ये। 40 यूनिट काम के बाद क्या कर रहा है, विजय काम को छोड़ के चला जा रहा है। तो देखिए टोटल काम था 72, उसमें से 40 हो चुका है, तो बचा कितना है, 72 में से 40 माइनस कर देंगे, 32 जो है आपका बचा काम है, ठीक है। अब देखिए 32 जो है अपना बचा काम है, बचा काम इज इक्वल टू 32 यूनिट बोलिए, या इस यूनिट को क्या बोल रहे हैं अपन, इकाई, ठीक है। अब देखिए इसको कौन करेगा अकेले, अशोक कर रहा है, तो अशोक के एक घंटे में कितना काम करने की क्षमता है, 2 यूनिट, तो एक घंटे में वो 2 यूनिट कर रहा है, तो 32 यूनिट काम को कितने देर में करेगा, तो अशोक जो बचा हुआ काम करेगा वो आपका 32 को 2 से भाग दे देंगे मतलब 16 दिन में करेगा, तो ये आपका 16 दिन आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये बचा हुआ काम 16 दिन में कर रहा है, जो काम 32 यूनिट बचा था ये, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी एक काम को, सॉरी ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 90 दिनों में करते हैं, मींस तीनों उस काम को 90 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे तीनों ने एक साथ काम शुरू किया तथा 60 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है, मतलब 60 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। उसके बाद बी तथा सी मिलकर बचा हुआ काम 60 दिनों में करते हैं, मतलब जो काम बच गया 60 दिनों के बाद उसको बी और सी 60 दिन और लेकर उस काम को कर रहे हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब पूरा काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ए प्लस बी प्लस सी पहले लिख देंगे और 90 दिन। अब 90 दिन में ये कर रहे हैं, यहां कोई और है नहीं कि हम लोग उसके साथ लघुतम या एलसीएम लेंगे, तो इसी को 90 को हम लोग क्या मान लेंगे, 90 यूनिट या 90 इकाई बोलिए, ये अपना कुल काम हो जाएगा, ठीक है। अब कुल काम 90 इकाई है और 90 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 90 को 90 से भाग दे देंगे तो आपका मिल जाएगा एक इकाई या एक यूनिट पर डे, एक दिन में एक यूनिट करेंगे। अब देखिए ये तीनों मिलके ए बी और सी एक यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, और कितने दिनों तक एक साथ काम किए, 60 दिन तक, तो 60 दिनों में कितना करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे मतलब 60 यूनिट काम को वो लोग करेंगे। अब बचा काम कितना है, 90 में से 60 हो गया, तो बचा हुआ कितना है, 60 माइनस कर दीजिए, 30 जो है अपना बचा काम है, और इस बचे हुए काम को बी और सी करेंगे कितने दिनों में, 60 दिन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं
तो वो तो अपन निकाल लिए, 60 यूनिट काम 60 दिनों में किए। बचा हुआ काम जो बी और सी है वो 60 दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में 30 यूनिट को कर रहे हैं, आपका 30 यूनिट काम को कर रहे हैं। तो अब ये 60 दिनों को जब वो 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, 30 को 60 से भाग दे देंगे, मतलब आपका 1/2 यूनिट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना कर रहे थे, एक यूनिट पर डे। उसमें से बी प्लस सी कितना करता है, एक यूनिट में से आधा यूनिट, तो बाकी का आधा काम जो होगा वो कौन करेगा, ए करेगा। तो ए के एक दिन की क्षमता पता चल गई, आधा यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में ए आधा यूनिट काम को करेगा और कुल काम है कितना, 90 यूनिट। अब देखिए ए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, कुल काम 90, और 90 को उसके एक दिन के काम करने की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 × 2/1, मतलब 180 दिनों में, 180 दिनों में ए अकेला उस काम को करेगा। ठीक है ना, ए अकेला करेगा, और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो ये स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मिला और आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं। और भी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में करके जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।